शिमला भी तैयारियों में जुट गया है। जिला प्रशासन ने बर्फबारी के दौरान सभी व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए पीडब्ल्यूडी, आईपीएच सहित अन्य विभागों के साथ बैठक कर अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान समयबद्ध कार्य सुनिश्चित किया जा सके। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। मौसम विभाग के अनुसार 15 दिसंबर के बाद प्रदेश में बर्फबारी के आसार हैं, जिसको लेकर सभी विभागों को तैयारियां कर अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बैठक में पीडब्ल्यूडी, आईपीएच, बिजली विभागीय, खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी शामिल हुए। सभी को बर्फबारी के दौरान अधिक प्रभावित क्षेत्रों में पहले से इंतजाम दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो है सर्दियों का सीजन आ गया है, और जो हमारा आईएमडी है उनकी तरफ से ये फोरकास्ट है कि 15 दिसंबर के बाद जो है मौसम ख़राब हो सकता है और बर्फबारी की आशंका है। तो उसी की के लिए जो है हमने एक प्रिपरेटरी मीटिंग आज की थी। उसमें हमने जो है पीडब्ल्यूडी, आईपीएच और तमाम जो विभाग हैं उन सबको आज यहाँ बैठक के लिए बुलाया था। उसमें एजेंडा फिक्स किया था डिपार्टमेंट वाइज। तो मेनली जो है आज उसमें ये डिस्कशन हुआ है कि जैसे बर्फबारी होती है तो उससे पहले ही जो है हम लोग अपनी सारी तैयारियाँ करके रखें। तो इसमें मेनली जैसे हमारा पीडब्ल्यूडी नेशनल हाईवे से ये आग्रह था कि जैसे बर्फ़ से अगर कोई रोड्स वगैरह बंद होती हैं तो उसको जो है तुरंत वो लोग बहाल करें। तो ऐसे पॉइंट्स वगैरह आइडेंटिफाई करके रखें जो हर साल बर्फ़ की वजह से बंद होती हैं, और वहाँ पर मशीनरी और मैन पावर वगैरह डिप्लॉय करें, ताकि जैसे ही बर्फ़ की वजह से बंद होती हैं तो उन्हें तुरंत जो है बहाल किया जाए। इसके अतिरिक्त जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बिजली की जो है कुछ समस्याएं आती हैं, क्योंकि लाइंस पे जो है पेड़ वगैरह गिर जाते हैं, तो हमने इसमें जो है बिजली विभाग को, जो एमसी शिमला है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और हमारे एसडीएम अर्बन को ये डायरेक्शंस दिए हैं कि वो 15 तारीख तक एक सर्वे करा लें और ऐसे पॉइंट आइडेंटिफाई कर लें जहाँ पे कि जो है बिजली के जो ट्रांसफार्मर्स हैं या लाइन्स हैं उनके पास पेड़ है, ताकि बर्फबारी की सिचुएशन में जो है बिजली की आपूर्ति बाधित ना हो। इसी तरह जो जल शक्ति विभाग है उनको भी ये डायरेक्शंस दिए हैं कि वो भी जो है ये इंश्योर करें कि उनकी जो पाइप्स हैं, लाइंस हैं, वो जो है वो अंडरग्राउंड हो, ताकि पानी बर्फ की वजह से जो है पाइपें जमे ना और उसकी वजह से पानी की सप्लाई जो है वो बाधित ना हो। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।